शांति सत्यम शिवम सुंदरम सच्चित आनंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की संतान प्रिय भाइयों बहनों तथा प्यारे बच्चों, आज हम जीवन को देखने के चार प्रकार के चश्मों की बात करेंगे। चश्मे अर्थात चार प्रकार के नजरिए, जिन्हें मनोविज्ञान की भाषा में लाइफ पोजीशंस कहा जाता है। बचपन एवं किशोर अवस्था के अनुभवों एवं भावनाओं के आधार पर हम चार प्रकार का व्यवहार अथवा चार प्रकार के दृष्टिकोण दूसरों के प्रति विकसित कर लेते हैं। इसमें से पहला दृष्टिकोण है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं तो अच्छा हूं परंतु आप अच्छे नहीं हैं। दूसरा है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं ही अच्छा नहीं हूं, बाकी सब अच्छे हैं। तीसरा आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। मैं भी अच्छा नहीं हूं, कोई भी अच्छा नहीं। और चौथा दृष्टिकोण है आई एम ओके, यू आर ओके। मैं भी अच्छा हूँ, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। अभी हम इन चारों की एक एक करके व्याख्या करेंगे। पहला है आई एम ओके, यू आर नॉट ओके। मैं तो अच्छा हूँ पर आप अच्छे नहीं हैं। जीवन के प्रति ये एटीट्यूड तब विकसित होता है जब बाल्यकाल अथवा किशोर अवस्था में बच्चे की भावनाओं की उपेक्षा की गई हो, इग्नोर किया गया हो बच्चों की भावनाओं को, उसकी भावनाओं को ठीक से समझने की कोशिश ना की गई हो, धीरे धीरे उसे लगने लगता है कि ये लोग मेरी सही सोच, मेरी सही भावनाओं को भी नहीं समझते, ये अच्छे लोग नहीं हैं। बच्चे के भीतर एक आक्रोश, एक विद्रोह की भावना, रेबिलियस इमोशंस विकसित हो जाती हैं। कई बच्चे हॉस्टल्स में भी इस तरह की भावनाएं दूसरों के प्रति डेवलप कर लेते हैं। वो दोषारोपण की वृत्ति सीख जाते हैं, पुटिंग ब्लेम ऑन अदर्स। जीवन में कुछ भी होता है तो उसका दोष दूसरों पर मढ़ देते हैं। दे ऑफन पॉइंट फिंगर एट अदर्स फॉर देयर सारोज एंड मिजरीज। दूसरी लाइफ पोजिशन है आई एम नॉट ओके, यू आर ओके। मैं ही सही नहीं हूं, बाकी सब सही है, सारी दुनिया ठीक है, मैं ही सही नहीं हूं। जीवन के प्रति ये दृष्टिकोण तब विकसित होता है जब बच्चे को लगता है कि दूसरे बच्चे उससे बढ़िया बेटर कार्य करते हैं, बेटर परफॉर्म करते हैं। वो दूसरों को सुपीरियर, खुद को इन्फीरियर समझने लगता है तथा हीन भावना, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है। इसमें माता पिता का भी रोल होता है, जो बच्चे को हमेशा कहते रहते हैं तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते, हर वक्त नेगेटिव इनपुट देते हैं। बड़ा होकर ये बच्चा खुद को पीछे पीछे रखने लगता है। हेजिटेशन, शाई नेचर एंड सेल्फ इनहिबिशन का शिकार हो जाता है। मंच पर जाने से डरने लगता है, मंच पर माइंड ब्लैंक एंड टंग टाइड हो जाता है, मंच पर जाकर कुछ बोल नहीं पाता, कांपने लगता है। ऐसे लोग कंप्लेनिंग एटीट्यूड, हर पल शिकायत का एटीट्यूड डेवलप कर लेते हैं और हर समय डिसकंटेंटेड, अनकंटेंटेड, असंतुष्ट रहते हैं। ऐसी पर्सनैलिटीज को चाहिए, सुझाव है कि वो माइंड ट्रेनिंग एंड मेडिटेशन द्वारा अपने इस नेगेटिव एटीट्यूड को चेंज करें, परिवर्तित करें। जो तीसरा एटीट्यूड है वो है आई एम नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। मैं तो सही नहीं हूँ पर
और आप भी कहां सही हैं। ये सबसे खतरनाक लाइफ पोजीशन है, क्योंकि ये व्यक्ति पूरे संसार को गलत, अर्थहीन, पीड़ाजनक समझता है। ऐसा एटीट्यूड ज्यादातर उन बच्चों में डेवलप होता है जिन्हें बचपन में माँ बाप का प्यार नहीं मिलता। कारण कोई भी रहा, माँ बाप के झगड़ों के कारण भी बच्चे में जीवन के प्रति नेगेटिव आउटलुक डेवलप हो जाती है। यदि बच्चों का लालन पालन सर्वेंट्स द्वारा हुआ है ज्यादातर, तब भी ऐसा एटीट्यूड कई बच्चों में विकसित हो जाता है। बच्चों में पेरेंट्स के प्रति सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस कम हो जाती है, फीलिंग ऑफ सेल्फ वर्थ, फीलिंग ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान एंड सेल्फ डिग्निटी भी ठीक से विकसित नहीं होती। ऐसे बच्चे सोचते हैं जीवन पर्पजलेस, मीनिंगलेस एंड होपलेस, तथा कभी कभी अपना जीवन खत्म भी कर लेते हैं। इसलिए माता पिता को बच्चों को ढेर सारा प्यार देना चाहिए, ताकि उनका जीवन पुष्प खिल सके। इसके अतिरिक्त जीवन की मर्यादाएं भी बच्चों को सिखाने के लिए अपना क्वालिटी टाइम माँ बाप को बच्चों को देना चाहिए। चौथी लाइफ पोजीशन है आई एम ओके, यू आर ओके, मैं भी अच्छा हूँ, आप सब भी बहुत अच्छे हैं। ये सबसे हेल्दी लाइफ पोजीशन है, जो बताती है कि बच्चे का मानसिक विकास सही ढंग से हुआ है, उसका परसेप्शन, उसका एटीट्यूड, उसका आउटलुक सही ढंग से विकसित हुआ है। इसका अर्थ है कि बचपन एवं किशोर अवस्था में बच्चे को हेल्दी एनवायरनमेंट मिला है, जहां सेल्फ एस्टीम, सेल्फ डिग्निटी के साथ साथ दूसरों के गुणों की एप्रिसिएशन का भी यथार्थ स्थान है। ऐसे बच्चे बड़े होकर अपने क्षेत्र में सफल लीडर बनते हैं, तथा बड़ी से बड़ी समस्या को अपने कोलीग्स एंड फ्रेंड्स के कोऑपरेशन से आसानी से हल कर लेते हैं। तो प्रिय मित्रों, सारांश ये है कि हमें आई एम ओके, यू आर ओके एटीट्यूड को विकसित करना होगा। यही जीवन के प्रति स्वस्थ दृष्टिकोण है। इसके लिए मेडिटेशन में प्रतिदिन ये पॉजिटिव अफर्मेशंस रिपीट करें, मैं बहुत अच्छी आत्मा हूं, आप भी बहुत ही अच्छे हैं, सभी बहुत अच्छे हैं, सभी में स्पेशल क्वालिटीज, विशेष गुण, मैं सबकी अच्छाइयां देखकर उनसे गुण ग्रहण करता हूं, मैं परम पिता परमात्मा सत्यम शिवम सुंदरम की बहुत ही श्रेष्ठ डिवाइन संतान हूं। मुझे और अच्छा बनना है, मुझे बेटर देन द बेस्ट बनना है। Always sing this song, nobody is wrong. Always sing this song, nobody is wrong. Because nobody is wrong in his or her own perspective. अंत में, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाएंगे, सोच को बदलो तो भाग्य के सितारे बदल जाएंगे। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे, दिशा को बदलो तो किनारे बदल जाएंगे। अच्छा, शांति शांति शांति।